सो फाइनली फाइटर का ट्रेलर आ चुका है एंड इट लुक्स एब्सोल्युटली मार्वेलस। जो एंड्रेलिन रश देता है ना ये ट्रेलर, तुम्हारे अंदर से पेट्रियटिज्म को खींच के बाहर निकालेगा। ऊपर से जो डायलॉग्स दिए हैं ऋतिक रोशन और अनिल कपूर, वो एकदम जहर। आज के इस वीडियो में अपन रिव्यू करने वाले हैं फाइटर के ट्रेलर को, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है अभी एंड यू आर वॉचिंग सिनेमा विद अभी। तो जैसे टेररिस्ट की वजह से अगर हम बदतमीजी पे उतर आए तो तुम्हारा हर मोहल्ला आईओपी बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं एक चीज एड्रेस करना चाहूंगा, वो ये है कि जब इस मूवी का टीजर आया था तो इनिशियली मैं इस मूवी के वीएफएक्स और सीजीआई को लेकर थोड़ा बहुत अनश्योर था और डाउटफुल था, लेकिन इस ट्रेलर ने मुझे गलत प्रूफ कर दिया। इस ट्रेलर के अंदर इस पूरी मूवी का वीएफएक्स और सीजी का एक अच्छा खासा हमें लुक देखने को मिल जाता है कि एक्चुअली में मूवी हमें क्या देखने को मिलेगा, एंड इट एब्सोल्युटली लुक्स स्टनिंग, डिसअपॉइंटिंग बिल्कुल नहीं लग रहा। थोड़ा सा इग्नोर करना क्योंकि लाइट जा चुकी है, रिंग लाइट बस जल रही है क्योंकि लैपटॉप में मेरी बैटरी बाकी है और वो बैकग्राउंड वाली लाइट ऑफ हो चुकी है, तो अपन ऐसे में कंटिन्यू करने वाले क्योंकि टाइम की कमी है थोड़ी अपने पास। तो ट्रेलर शुरू होता है इंडियन एयरफोर्स के बेस्ट ऑफिसर्स को, जिनको एक स्पेशल यूनिट के अंदर रिक्रूट किया जा रहा है, जो कि एक स्पेशल रेस्पॉन्स टीम होगी जिनका नाम होने वाला है एयर ड्रैगन यूनिट। एंड इसी यूनिट का तुम्हें लोगो भी देखने को मिल जाएगा अगर तुम इस सीन में बैकग्राउंड में नोटिस करोगे तो। वैसे नोटिस करना से ज्यादा है मैंने इसी ट्रेलर के अंदर एक अनयूजुअल सा साउंड इफेक्ट नोटिस किया। मतलब अनयूजुअल मतलब ये साउंड इफेक्ट काफी बिगिनर्स लोग यूज करते हैं क्योंकि उनके पास प्रीमियम साउंड इफेक्ट्स का एक्सेस नहीं होता, तो इतनी बड़ी बजट की मूवी में ये बिगिनर वाला साउंड इफेक्ट देख के मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई, लेकिन अब बट ये उतनी भी बड़ी कोई डील नहीं है। मुझे नोटिस हुआ तो मैंने सोचा आप सबको बता देता हूँ। कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये मूवी पुलवामा अटैक के अराउंड रिवॉल्व करेगी, जहाँ प्रोबेबली रियल लाइफ स्टोरी से इसका कोई कनेक्शन नहीं होगा, बट उसी अटैक को इन लोगों ने फिक्शनल तरीके से अपनी स्टोरी में इंटीग्रेट किया है ताकि उसको एज अ प्लॉट यूज कर सके मूवी में। तो कुल मिला के रिपब्लिक डे पे ये वाली मूवी फुल पेट्रियोटिज्म वाली फीलिंग देके जाएगी आपको, और ऊपर से अगर इस मूवी के इमोशंस शेरशाह मूवी की तरह ही कनेक्ट हो गए तब तो एक लेवल और ऊपर चली जाएगी मूवी। बाकी इस ट्रेलर के डायलॉग्स मुझे काफी इंप्रेसिव लगे, और भाई जिस तरह से अपने पड़ोसियों को मॉक किया गया है, ट्रोल किया गया है, वो सुन के हंसी जरूर आ जाती है ट्रेलर के अंदर। एंड इस ट्रेलर के अंदर से तुम कोई भी ऋतिक का एक शॉट उठा लो किसी भी एंगल से, मैटर नहीं करता भाई, हर शॉट में बंदा डैशिंग लग रहा है। मतलब ऐसी पर्सनालिटी तो भाई मुझे भी चाहिए, पर बाइसेप्स नहीं उतने। एंड इसी के साथ जो ट्रेलर के एंड में ऋतिक रोशन के डायलॉग्स हैं और वो एक्शन के साथ चल रहे होते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल है। मतलब वो गूज़बम्प्स वाली फीलिंग आ जाती है जब ऋतिक रोशन अपना ट्रेलर के एंड में डायलॉग डिलीवर करते हैं। तो जैसे टेररिस्ट की वजह से अगर हम बदतमीजी पे उतर आए तो तुम्हारा हर मोहल्ला आईओपी बन जाएगा। मूवी के वीएफएक्स काफी ज्यादा स्टनिंग लग रहे हैं, और भाई डीनेक जैसी कंपनी ने जब तुम्हारा वीएफएक्स किया हो तो उसे तुम और क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। बाय द वे इसी डीनेक कंपनी ने ही ब्रह्मास्त्र का भी वीएफएक्स किया था, और एट द एंड ऑफ द वीडियो सिद्धार्थ आनंद को एक बहुत बड़ा सैल्यूट उनके और उनके विजन के लिए, क्योंकि भाई पठान जैसी कमर्शियली सक्सेसफुल मूवी देने के बाद बंदा कोई भी सेफ जोन की मूवी कर सकता था और उसे इजिली प्रोजेक्ट्स मिल जाती, बट फिर भी बंदे ने रिस्क लिया और एक एरियल एक्शन मूवी बनाने का सोचा, जो कि इंडिया के अंदर बनाना मुश्किल था क्योंकि ऑलरेडी आपको बजट कम मिलेगा एंड उसमें भी आपके मेजोरिटी शॉट्स जो है वो एरियल एक्शन के होंगे, जिनको आप रियल लाइफ में परफॉर्म नहीं कर सकते, उनके लिए आपको वीएफएक्स का यूज करना ही पड़ेगा। तो बंदे को दिल से सैल्यूट और रिस्पेक्ट, क्योंकि कुछ नया जरूर ट्राई करने की कोशिश की है उसने। ट्रेलर हिट तो करता है काफी अच्छे से, क्योंकि जो अंदर से एड्रेनलिन रश आता है ना, पंप अप कर देता है एकदम मूवी के लिए, और मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं अब इस मूवी के लिए। एंड अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूं तो वो है इस ट्रेलर का बैकग्राउंड म्यूजिक, जो कि टॉप नॉच है, उसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। एंड ये म्यूजिक आई थिंक ट्रेलर के वन ऑफ द बेस्ट हाइलाइट्स में से एक होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हो सिनेमा विद अभी।